नमस्कार, मैं पूना विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। न्यूरोजेन के स्टेम सेल थेरेपी बौद्धिक विकलांगता के आत्मकेंद्रित के साथ बच्चे के माता पिता को पुनः प्राप्ति की उम्मीद देता है। हाल ही में यह माना गया है कि जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति अपरिवर्तनीय है। हालांकि अब उभरते शोध के साथ हम समझते हैं कि सेल थेरेपी का उपयोग करके क्षतिग्रस्त मस्तिष्क के ऊतकों की मरम्मत करना संभव है। फिर आज भी भारत में बहुत से लोग हैं जिन्होंने कार्ड ब्लड बैंकों के माध्यम से अपनी स्टेम कोशिकाओं को संरक्षित नहीं किया है। वो सभी रोगियों के लिए न्यूरोलॉजिकल संबंधित विकारों के लिए एक नया उपचार खोजने में अपनी आशा खो चुके हैं। वयस्क स्टेम सेल थेरेपी इस तरह के रोगियों के लिए एक नई आशा प्रदान करती है। ऐसे अहमदाबाद से अश्विनी लिम्बाचिया की एक खास रिपोर्ट। एड्रेस वगैरह फोन वगैरह करके मैंने अपॉइंटमेंट लिया, फिर वहाँ पे गई, स्टेम सेल करवाया मैंने, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। हमारे देश में, खासकर गुजरात में, हमारे बहुत सारे दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे जिनको ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, और अब तक इसके लिए कोई इलाज नहीं था, पर अब एक नया इलाज आया है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। और स्टेम सेल थेरेपी से इन बच्चों का इलाज हो सकता है। हमने 8,500 से ज्यादा बच्चों का इलाज किया है। जो ऑटिज्म बच्चे हैं उनका बोलना आ जाता है, वो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। जो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हिलते, टाइट होते हैं, वो व्हीलचेयर से उठ के अपने आप चल सकते हैं, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। ये एक बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है जिससे कि हम शरीर में से, हड्डी में से बोन मैरो निकाल के उसमें से स्टेम सेल अलग करके वापस बच्चे में डाल देते हैं। बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है जिसमें सिर्फ दो सुई लगती है और 100% सेफ है, इसमें कोई रिस्क नहीं, और अप टू 90% सक्सेस रेट है इस ट्रीटमेंट का। स्टेम सेल थेरेपी होती है वो एक दिन के अंदर खत्म हो जाती है, सुबह शुरू होती है, शाम तक खत्म हो जाती है, पर हम पेशेंट को हॉस्पिटल में 6 दिन के लिए रखते हैं, बिकॉज स्टेम सेल के अलावा बहुत सारी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज वगैरह भी होती है।